Hello viewers, how are you? I am your host and coach Indresh Gautam and you are watching the English Horizons. In this video, we shall talk about the central idea of the poem, The True Beauty by Thomas Carew. Actually, I have already written it for you and I will read it aloud so that you can either note it down along with my readings or you can take notes by pausing the video and taking screenshots anytime. So let's start without delay. This is the central idea of the poem, The True Beauty by Thomas Carew. I will read it aloud. Let's get closer. The True Beauty, Thomas Carew. Central idea. This poem glorifies the spiritual beauty by establishing its supremacy over the physical beauty. Physical charms like rosy cheeks, coral lips or bright eyes are bound to lose their luster in the old age. They are incapable of fueling the flames of love for lifetime. So the flames of love are destined to be run out with the passage of time if they are based on the perishable bodily charms. Full stop. While on the other hand, the flames of love, sparked by the beauty of mind and soul, never die as they are fueled with the imperishable elements like polite and pleasant behavior, firm-mindedness, kind and caring thoughts, composed desires and above all benevolence. Full stop. A woman of rare physical beauty is not worth loving, if devoid of the beauty of mind and soul. The destiny of the physical beauty is dust, while the spiritual beauty remains unhurt with the ravages of time. So, I think you have noted it down. अब जरा मैं हिंदी में इसको समझा देता हूं. This poem glorifies the spiritual beauty by establishing its supremacy over the physical beauty. यह कविता शारीरिक सौंदर्य के ऊपर आत्मिक सौंदर्य की श्रेष्ठता को स्थापित करके आत्मिक सौंदर्य का महिमा मंडन करती है, उसका गौरवगान करती है. फिजिकल चार्म्स लाइक रोजी चीक्स, कोरल लिप्स और ब्राइट आईज आर बाउंड टू लूज देयर लस्टर. जो शारीरिक सौंदर्य हैं, जैसे कि रोजी चीक्स या गुलाबी गाल, मूंगे जैसे होंठ और सितारे जैसी चमक वाली आंखें, ये सब अपने चमक खोने के लिए बाध्य हैं इन दी ओल्ड एज, वृद्धावस्था में. दे आर इनकैपेबल ऑफ फ्यूलिंग द फ्लेम्स ऑफ लव. वह प्रेम की ज्वालाओं को
ईंधन देने में अक्षम है फॉर लाइफ टाइम, जीवन भर के लिए, मतलब जीवन भर वो प्रेम की ज्वाला को जलाकर नहीं रख सकती हैं। सो द फ्लेम्स ऑफ लव आर डेस्टिन्ड टू बी रन आउट, तो जो प्रेम की ज्वालाएं हैं उनको खत्म ही हो जाना है, बुझ ही जाना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, इफ दे आर बेस्ड ऑन द पेरिसेबल बॉडीली चार्म्स, यदि वह इन खत्म होने वाले शारीरिक आकर्षणों पर आधारित हैं, तो उन प्रेम की ज्वालाओं को खत्म ही हो जाना है, बुझ ही जाना है। वाइल ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ यदि हम देखें, द फ्लेम्स ऑफ लव, प्रेम की ज्वालाएं, स्पार्क्ड बाय द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, जो कि मन एवं आत्मा के सौंदर्य से प्रज्वलित की गई हों, नेवर डाय, कभी खत्म नहीं होती, एज दे आर फ्यूअल्ड, क्योंकि वो उनको ईंधन मिलता है किन चीजों से, विद द इम्पेरिसिबल एलिमेंट्स, कभी ना खत्म होने वाले तत्वों से, जैसे कि पोलाइट एंड प्लेजेंट बिहेवियर, जैसे कि नम्र एवं प्रसन्न व्यवहार, कॉमा फर्म माइंडेडनेस, मन की दृढ़ता, कॉमा काइंड एंड केयरिंग थॉट्स, मतलब उदार एवं प्रवाहयुक्त विचार, कंपोज डिजायर्स, परेशान न करने वाली शांत इच्छाएं, एंड अबव ऑल बेनेवोलेंस, इन सबसे ऊपर है उदारता, दूसरों के प्रति एक सामान्य प्रेम की भावना। अ वुमन ऑफ रेयर फिजिकल ब्यूटी, एक दुर्लभ शारीरिक सौंदर्य युक्त महिला, इज नॉट वर्थ लविंग, वह प्रेम के योग्य नहीं है, इफ डिवॉइड ऑफ द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, यदि वह उसके अंदर मन एवं आत्मा का सौंदर्य नहीं है, तो कहने का मतलब एक महिला यदि उसके अंदर मन एवं आत्मा का सौंदर्य नहीं है, तो वह शारीरिक रूप से कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वह प्रेम के योग्य नहीं है, उसका सौंदर्य कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो। द डेस्टिनी ऑफ द फिजिकल ब्यूटी इज डस्ट, जो शारीरिक सौंदर्य है उसकी नियति क्या है, उसकी नियति है धूल, उसको अंततः मिट्टी में मिल जाना है। वाइल द स्पिरिचुअल ब्यूटी, जबकि जो आत्मिक सौंदर्य है, रिमेन्स अनहर्ट, वह नष्ट नहीं होता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विद द रेविजेस ऑफ टाइम, समय के थपेड़ों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो दिस इज दिस सेंट्रल आइडिया, दिस इज ऑल फॉर नाउ, इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon for getting all the notifications. Thank you very much.